नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटक जॉब मेला तमाम ऑर्गेनाइजर्स 45 दिनों की अनथक कोशिशों के बाद आज मुनक्कद हुआ। मस्जिदों में ऐलानात, पाम्फलेट की तकसीम, तकरार के साथ मुनक्कद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए की गई मौसर मार्केटिंग की वजह से अलमीन कैंपस में 4 तारीख की सुबह ही से हजारों रोजगार की तलाश में सरगर्दा नौजवान जमा होने शुरू हुए। ऑर्गेनाइजर्स की बेहतर प्लानिंग से 100 से ज़ायद कॉर्पोरेट कंपनीज जॉब ऑफर्स के साथ मौजूद थी। इस जॉब मेले की खसूसियत ये थी कि इसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम हिंदुस्तानी इससे फ़ायदा हासिल करते नजर आए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर अब्दुल खदीर साहब ने अलबलाग से बात करते हुए कहा कि और उनके फ्यूचर की उस हैसियत से भी और इसमें शाहीन का भी स्पॉन्सरशिप है और यकीनन ये बहुत अहम इवेंट है। कर्नाटक भर के नौजवान यहाँ आए हैं और उनको जॉब मिले और ये जॉब करें, काबिल बने, फिर जॉब देने वाले बने, ये हमारी ख्वाहिश है। इसके लिए हम नौजवान यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं और बेरोज़गार नौजवान जो टीचर बनना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर विज़िट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जाफ़िर एक आज के हिंदुस्तान की ज़रूरत है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि सारे दुनिया का जो है पाँचवा नौजवान वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं, तो उसका एक उसी का एक हिस्सा जो है ये जॉब फेयर है जिसकी कोशिश में बहुत सारे लोगों ने जो शुरुआत की थी उसका SIO हिस्सा है। और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग आए हैं उनको अच्छे क्वालिटी जॉब्स मिलें जिसके ज़रिए वो देश की GDP में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करें। माशाल्लाह 1.5 महीने की मेहनत के बाद बहुत अच्छा नतीजा मिला है। तो हमारे 10 तंजीमें मिलकर जो ऑर्गेनाइज की हैं उसमें AMP वाले लीड लिए जो हम उनके साथ दिए, माशाल्लाह बहुत लोग आए एक बार, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा है। कभी भी आलमीन कैंपस में इतने बच्चे मैं एक साथ नहीं देखा था। स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा जॉब, अब तक का सबसे बड़ा जॉब मिला रहा है। तकरीबन 100 कंपनीज तो आ गई हैं और स्टूडेंट ये कैंडिडेट्स कितने हैं बाद में मालूम पड़ेगा, क्यों अभी आ रहे हैं, अभी चल रहा है सिलसिला और अच्छे कंपनीज आए हैं और सब चारों तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। तो बहुत कामयाब रहा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम शाहिद हैदर है और मैं AMP इंडिया फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं AMP इंडिया फाउंडेशन के हेड ESC डिपार्टमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट सेल से मैं बिलोंग करता हूँ और ये आज का जॉब फेयर काफ़ी कामयाब जॉब फेयर है माशाल्लाह, जहाँ पे तकरीबन 20,000 के ज़ायद जो है हमारे पास वैकेंसीज आई थी और ये बहुत कैटेगरी की वैकेंसीज थी जिसमें IT, इंजीनियरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और बहुत सारे डोमेन्स के हमने जैसे कि फूड इंडस्ट्री से भी हमने काफ़ी सारे वैकेंसीज आए थे और इसको हमने बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए। हमारे पास काफ़ी बच्चे भी आए थे, तकरीबन 3,000 के आसपास का बच्चे का और अच्छे नंबर के शन हुए। तो ये सिर्फ यहाँ तक ये ख़त्म होगा, ये सिलसिला जारी रहे? नहीं, हमारे पास इस प्रोग्राम के दौरान हमारे पास बहुत सारे और भी रिक्वेस्ट आई है, इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम करेंगे। प्लान टू हैव अ प्रॉपर बिगर जॉब फेयर इन दिस, इसको मैक्सिमम फॉलोअप किया जाए। अब हमारी AMP की सेंट्रल टीम भी है और हमारा AMP पावर जॉब बोल के एक पोर्टल भी है जहाँ पे जो बच्चे अगर फॉर एग्जांपल आज का ख़त्म हो दे मिस दी अपॉर्चुनिटी स्टिल दे कैन आल्सो अप्लाई इन दैट। एंड हमारे दूसरे कारपेट्स की भी जितने भी जो ओपनिंग्स रहते हैं सारे ओपनिंग्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो ये बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रही है कि आज का दिन हम लोग ख़त्म नहीं कर रहे, देर इज़ ऑलवेज सपोर्ट अवेलेबल टू देम। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज हमें उसका नतीजे के तौर पर देखने को मिला। 100 के ज़्यादा कॉर्पोरेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, 3,000 से 4,000 के करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर जॉब सीकर्स आए हुए थे जिनको कई सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स मिली है, कई सारे कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो गए हैं और वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होने के बाद जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमारी ये कोशिश थी कि जो जॉब सीकर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाए और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता जा रहा है और जो माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है उस पहलू से मिल्लत में काम किया जाए खुसूसियत के साथ और तमाम लोगों को ये ऊपर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे बरादरान वतन मुस्लिम भी इस जॉब मेला में शामिल रहे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। शुक्रिया। आपका नाम?
मोहम्मद मास सलमान मनियार, सिटी प्रेसिडेंट सॉल्ट लेक सिटी। और दूसरी कॉरपोरेट्स कंपनियों के नुमाइंदे अलबलाख से बात करते हुए कहते हैं, वी आर अल्पाइन एज अ प्रोजेक्ट इंफ्रा लिमिटेड एंड वी आर अ कंसल्टिंग फर्म। वी हैव एन ओपनिंग लाइक इन आईटी, नॉन आईटी, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड एवरीथिंग। एंड वी आर सोर्सिंग हियर फॉर द कैंडिडेट्स राइट नाउ फॉर द सेल्स प्रोजेक्ट, आईटी प्रोजेक्ट, आईटीआई, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ। लाइक वी हैव राइट नाउ 1000+ ओपनिंग्स। नैप्स करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें हमको अभी 2500 तक कैंडिडेट्स चाहिए। ये अभी हमने बिरदी टोयोटा में अभी हमने काम पे डाल रहे हैं उसको जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो रहता है उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोग्राम है। ये तो ये आपको 13,751 का स्टाइफंड मिलेगा, उसके बावजूद आपको ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूनिफॉर्म वगैरह अक्रॉस कर्नाटका हमने इसको ले रहे हैं। बाकी अभी हमने 40 कंपनी से टाइप हो गए, सो जो जो डिप्लोमा और बी कैंडिडेट्स रहते हैं उसको भी हमने लेते हैं। हमारा कंप्लीट एंड टू एंड स्टाफिंग सॉल्यूशन है। ये तो एक्चुअली बड़ा काम किया है कि जो लोकल वालों का भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना एक ज़रूरी है, इसलिए ये प्रोग्राम हमने अटेंड किए। फ्रॉम एयरटेल थ्रू वीफाई ग्लोबल एजेंसी हायरिंग फॉर एयरटेल सेल्स एंड मार्केटिंग स्टोर टीम। वैकेंसी अप टू कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर एंड फील्ड वर्क बी टू बी सेल्स एंड वी हैव एनी ओपनिंग्स इन बैंगलोर एंड एंटायर कर्नाटक। अलबलाख से बात करते हुए कुछ नौजवानों ने कहा, आई गॉट टू नो फ्रॉम फ्रेंड्स फ्रॉम मस्जिद एंड लाइक एंड माय दिस माय फ्रेंड लाइक ही सेड टू मी लाइक आके देखो कर तो कुछ मालूम पड़ेगा कर ऐसे मालूम। अभी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, जॉब कर रहा था स्टार्टअप। और यहाँ क्या देखने के लिए आया, क्या मैं बस लाइक देखने के लिए आया था कि कैसे कैसे लाइक लोगों को जॉब हायर करते हैं और क्या क्या चलता है इधर सब, लाइक कैसे सब कैसे चलता है, नॉलेज गेन करने के लिए आया। हमारे फ्रेंड्स ने, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में मिला था फयाज़ और जाफर बोल के, उन्होंने पता लगाया और उन्होंने यही कॉलेज के हैं अलमीन के, वो मैसूर को आए थे जिस कॉलेज को कॉन्फ्रेंस को, उससे मालूम हुआ कि जॉब मेला है। मैं हमारे भी 4 साथियों को साथ लेकर मैसूर से आया हूँ। मैं भी एम फॉर्म पढ़ा हूँ, मेरा भाई बी ई कंप्यूटर साइंस है और एक भाई डी फार्मा पढ़ा है और एक बी कॉम, चारों जॉब के सिलसिले से आए। माय नेम इज़ पंकज कुमार, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम स्टेइंग इन बेंगलोर सिटी। क्या जॉब के सिलसिले में आए? आई मीन मैकेनिकल इंजीनियर, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑयल एंड गैस। क्या इवेंट पता कैसे चला आपको? माई फ्रेंड इज रेफर इन फुरकान भाई एंड हैपगोड़ी, ही रेफर द वन बैनर एंड गिवे द स्कैन एंड अप्लाई द कैंडिडेट एंड द फॉर्म्स। इन्होंने इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि आप सेलेक्टेड हो और जल्द से जल्द बुलाएंगे जॉब के लिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मैं ग्रेजुएट कंप्लीट करके घर पे ही थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी जॉब के लिए, कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा था। बाद मुझे एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी 24/7 ने मुझे एक अच्छा ऑफर दिया जॉब का, जूनियर कस्टमर सपोर्ट। शिवाजी नगर तिमाया रोड। क्या, कैसे पता चला आपको? मुझे मेरे फ्रेंड्स ने इसके बारे में बताया है। आप BCOM? फाइनेंस। इस तरह शाम तक चले इस कामयाब जॉब मेले से हजारों नौजवान अपने पसंद के जॉब्स हासिल करने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ वॉलेंटियर्स और ऑर्गेनाइजर्स की हिम्मत अफजाई करते हुए इनको मोमेंटो पेश किए गए।
मेरे का इख्तिताम बड़ी ही कामयाबी के साथ अंजाम पाया।